तब से और अब में काफी फर्क है, डेवलपमेंट हुआ है। आप जहाँ पर खड़े हैं या फुटपाथ देखिए या पार्किंग देखिए, झाड़ देखिए, आप हमारा रोड की हमारे विधायकों का तो कराया हुआ है, किसी और का थोड़ी। तो हमने गलत क्यों बता दे, जो अच्छा कर रहा है फैमिली वेलकम बैठ, अच्छा तो अच्छा है, हम उसे बुरा नहीं कहेंगे ना गाली देंगे, बढ़िया तो बढ़िया काम कर रहा है, तो फिर हम बुरा क्यों कहें, तो फिर हम दूसरे को क्यों चुने, हम तो उसे चुने थे जो हमारे साथ। देखो अब तक जो थी हमारे महल्ले की भी सड़क बसरा जी ने बनवाई, चौड़ीकरण हुआ और जगह जगह जो है सफाई पार्क बनवाए, ये भी बसरा जी ने बनवाया जो यहाँ बड़ा गंदा रहता था। ये विधायक तो प्रदीप बत्रा जी है जो, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ईमानदार आदमी है, जिसने भी अच्छा काम किया है हम उसी को सपोर्ट करेंगे। भाई ये तो हमारे विधायक जी ने बनाई है, क्या नाम बत्रा जी ने हमारे, इन्होंने खूबसूरत बनाई है इसको, बत्रा जी ने सजा कर फेंक दिया इसको, रुड़की आजी थोड़ी थी, बहुत खूबसूरत हमारे बत्रा जी ने इसको बनाया है, आज भी हमें कोई काम करने में परेशानी नहीं आती। भाई हमारे हिसाब से तो इसमें ज्यादा योगदान एमएलए साहब का रहा है, प्रदीप बत्रा जी का, वोट तो वोट ही होता है क्या, तो ये बता ही नहीं पाएंगे कि हम किसको वोट करेंगे किसके नहीं करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम थे यहाँ, लेकिन चार साल में बत्रा जी ने यहाँ काफी काम कराए। सर मैं तो सपोर्ट करूंगा बीजेपी को, बीजेपी ओनली फॉर बीजेपी। हमें क्या, देखो हमारा तो जेल चल रहा है, अच्छा हमारे विधायक है, अच्छा काम करा रहे हैं, अच्छे रोड बने हुए हैं, अच्छी सड़कें बनी हुई है, गरीबों का ख्याल रखते हैं, मजदूरों का ख्याल रखते हैं, आप जाइए आपसे ही बात करेंगे, मजदूर जाएगा उससे ही बात करेंगे, तो ये अच्छा ही है ना, मैं नहीं है बुरे नहीं अच्छे हैं।